हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक नेक नौजवान था, दिन को रोजा रखता, रात को नमाज पढ़ता, पर अल्लाह से डरता फिर भी बहुत ही ज्यादा था, बड़ा ही डरता था। मौत का वक्त आया तो माँ ही थी बस उसकी, तो माँ से कहने लगा, अम्मा मेरी माँ है, मेरे साथ तीन वादे तो कर। उसने कहा, पुत्र तू बता, आखिरी हिजकी ले रहा है और इस गरीबनी माँ से तू वादा ले रहा है, बता क्या वादा। अर्ज करने लगा, अम्मा जब मैं मर जाऊँ ना तो मेरे गले में रस्सी डाल के तो मुझे घुमाना घर के सहन में, और लोगों को कहना जो रब की नाफरमानी करे उसका यही हाल होता है, ये ऐलान करना जो अल्लाह के नाफरमान हो उनका यही अशर किया जाना चाहिए। और अम्मा फिर दूसरा वादा कर, मेरा रात को जनाजा उठाया जाए, मैं नहीं चाहता कि किसी के मुंह से ये लफ्ज निकल जाए कि वो देखो अल्लाह का नाफरमान जा रहा है, रात को मेरा जनाजा उठाना। और अम्मा तीसरा मेरे साथ वादा कर कि लोग मुझे दफन करके आ जाएंगे तो तू मेरी कब्र पे चली जाएगी। अमल मेरे पास कोई नहीं, पर मुझे लगता है माँ के कदमों की बरकत से अर्श का मालिक भी रहम फरमाएगा। अम्मा तू वादा कर। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि माँ, बूढ़ी माँ ने वादा कर लिया। कहा, बेटे ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो मैं तैयार हूँ। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा, उस नौजवान की रूह परवाज कर गई। बूढ़ी माँ ने रस्सी मंगाई तो वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो डर जाए, उसने तो कहा था ना कि रस्सी डाल के घुमाना और कहना ये अल्लाह का नाफरमान है, इसका यही अशर होना चाहिए था। लेकिन जब माँ गले में रस्सी डालने लगी तो घर के हर हर कोने से आवाज आने लगी, खबरदार, ये रब का दोस्त है, अल्लाह के दोस्तों के साथ इस तरह का मामला ना किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। और कहा, तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, ये तो रब का दोस्त है और रब की बारगाह में हाजिर हो गया। कोई बंदा कहेगा कि ये तो एक बाबा फरीद का सुनाया हुआ वाक्य है, सुनिए बुखारी में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, हुजूर फरमाते एक शख्स मरने लगा तो अपने बच्चों से कहने लगा कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे जला देना, और फिर मेरे जले हुए वजूद को पीस देना, फिर मुझे हवा में उड़ा देना। पुत्र मुझे उड़ा देना, मुझे बड़ा डर लगता है, अगर रब ने मुझसे हिसाब पूछा तो मैं काबिल नहीं हूं, उड़ा देना मुझे हवाओं में, अगर उसने मुझसे हिसाब लिया तो बड़ा सख्त हिसाब लेगा। हुजूर फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, उसके बच्चों ने इसी तरह किया, उसके मरने के बाद उसे जलाया, हवा में उड़ा दिया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, रब करीम ने हुक्म दिया जमीन को कि इसके जर्रात को जमा करो, जमीन ने जर्रे जमा किए, खुदा ने हुक्म दिया तो उसका वजूद फिर से उसी शक्ल में आया। तो रब करीम ने फरमाया, ये जो तूने वसीयत की तो क्यों की, अल्लाह जानता है कि नहीं जानता, ये की तो क्यों की। तो रो पड़ा, कहने लगा, अल्लाह मेरे अंदर तो ताकत नहीं थी तेरे सामने खड़ा होकर हिसाब दे सकूं, तुझे मनाने के लिए तेरे खौफ से डर गया, मैं डर गया। अगरचे हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि आज ये वसीयत करना, इस रंग में ये तर्ज इख्तियार करना दुरुस्त नहीं, लेकिन आप गौर फरमाइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब उसने कहा ना अल्लाह तुझसे डर के ये किया, तो रब करीम ने फरमाया, जा फिर मैंने तेरी मगफिरत कर दी, क्योंकि अल्लाह को पता था ये दिल से बात कर रहा है।